हमारा टॉपिक है मॉडल्स। इसके तक जानेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स की बेसिक रूल्स कौन से हैं और हम कैन कोड के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार मॉडल वर्ब है क्या। मॉडल वर्ब को मॉडल एक्चुअली वर्ब ही कहते हैं और ये डिफरेंट मूड की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं और यही डिफरेंट मूड के अंतर्गत एक स्पीकर किसी भी सिचुएशन के प्रति अपने एटीट्यूड को व्यक्त करता है और यही एटीट्यूड जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट धारणा को व्यक्त करते हैं, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी। और पूरे जो मॉडल्स होते हैं वो जितने हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो 13 होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। देखिए, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स अलग अलग होते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और डू, ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं। और सेमी मॉडल्स होते हैं मतलब नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। तो देखिए कुछ रूल्स जानते हैं इनके। तो देखिए सबसे पहला होता है कि मॉडल वर्ब जो होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म कहलाती है वही इस्तेमाल की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर है मॉडल वर्ब का हमारा। He can speak Chinese, वह चाइनीज बोल सकता है। तो कैन है मॉडल वर्ब को स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीधे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यू मे टेक द बुक टू स्कूल, आप किताब स्कूल लेके जा सकते हैं। तो टेक यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे यहाँ पर मॉडल है। इसी तरीके से नॉट का भी प्रयोग हम मॉडल वर्ब से करते हैं लेकिन सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस पे करते हैं, लेकिन इसमें डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका प्रयोग ही मॉडल वर्ब के बाद होता है। सब देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट है मॉडल वर्ब है प्लस नॉट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो नॉट यहाँ मॉडल वर्ब के बाद प्रूव किया गया। तो एग्जांपल, मोनिका शुड नॉट टेल यू लाइक, तो नॉट यहाँ नेगेटिव लेकिन शुड मॉडल वर्ब के बाद प्रूव किया गया, मोनिका झूठ नहीं बोलना चाहिए। रश्मि मस्ट नॉट ओपन हिज सीक्रेट, सॉरी ओपन हर सीक्रेट टू हिम, तो रश्मि को अपना सीक्रेट उसको नहीं बताना चाहिए। तो नॉट नेगेटिव है, मस्ट के बाद प्रूव हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए कि जो मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है वो हम इंटुगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, लेकिन इंटुगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो देखिए इंटुगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब का प्रयोग है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए सोनिका शुड मोनिका नॉट टेल यू लाइक, क्या मोनिका को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है जो कि स्टार्टिंग प्रयोग हुआ, नॉट अगर सेंटेंस नेगेटिव तो हम नॉट लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। तो मस्ट रश्मि हेल्प हिम इन दिस मैटर, क्या रश्मि को उसकी हेल्प करनी चाहिए इस मामले में। तो मस्ट यह हेल्पिंग सॉरी मॉडल वर्ब है लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। कैन द न्यूज नॉट बी ट्रू, क्या न्यूज सत्य हो सकती है। तो कैन मॉडल वर्ब है और नॉट यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है यहाँ पर। तो इंटोगेटिव वर्ब जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डबल इंटुगेटिव सेंटेंस। डबल इंटुगेटिव सेंटेंस हम मॉडल वर्ब से पहले इंटुगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच वाई ये इंटुगेटिव वर्ड है जो कि डब्ल्यू एच वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉडल वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए यहाँ पर आता है वाई शुड मोनिका नॉट टेल यू लाइक, मोनिका को झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड मॉडल से पहले आ गया। वैन कैन ही रीच, ये मैं यहाँ कब पहुँच सकता है। तो वैन जो डब्ल्यू एच वर्ड है और यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन है, तो मॉडल वर्ब से पहले वैन आ चुका है। हु भी एक डब्ल्यू एच वर्ड होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो डायरेक्ट मॉडल वर्ब से पहले आता है। हु वुड नरेट यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने बताई होगी। हु विल नॉट कम्प्लीट हिज वर्क टुमारो, कौन कल अपना कार्य पूरा नहीं करे। तो देखिए अब हम कैन का प्रयोग देखते हैं। तो कैन का प्रयोग एबिलिटी, योग्यता, पर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए किया जाता है। दे कैन कंट्रोल देयर वर्क, वो अपने कार्य पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो ये एबिलिटी है। पावर शक्ति के लिए प्रयोग होता है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो ये पावर शो हो जाता है। इम्पॉसिबिलिटी, वी कैन फिक्स, वी कैन नॉट फिक्स इट, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते। असमर्थता, आस्किंग फॉर परमिशन, कैन आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स एट होम टूडे, क्या मैं अपने दोस्त को अपने घर पर इन्वाइट कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए प्रयोग होता है। खुद का प्रयोग आप देख सकते हैं परमिशन लेने के लिए, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी को बोरो कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग होता है, कुड यू शेयर इट अगेन मोर जुली, क्या आप इस बात को दोबारा से फिर से कह सकेंगे। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, आई थिंक वी कुड हैव अनदर, मुझे लगता है कि शायद हम दूसरी चाय भी पी सकते थे, ले सकते थे। फ्यूचर, भविष्य के लिए, आई विश आई कुड मीट हिम नेक्स्ट वीक, काश मैं उसे दोबारा मिल सका होता, अगले हफ्ते मिल सका होता। एबिलिटी, ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब, उस एक योग्यता उसने अपनी जॉब पुरानी जॉब को छोड़ दी, सो ही कुड हेल्प, इसीलिए वो हमारी मदद कर सका। तो इस तरीके से कि कैन कुड का प्रयोग हमने इस वीडियो में जाना है, जो कि कैन जो सकता है किसी का पास्ट कुड भी कहलाता है, जिसका मतलब हो जाता है सका था। उम्मीद करती शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।